अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सब बच्चे अपनी उर्दू की किताब खोलें। उर्दू की किताब का आज आपने सफ़ा नंबर 80 खोलना है। आज हमने अगला सबक स्टार्ट करना है और वो है जैन का ख्वाब। ठीक है, आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे जैसे क्लास में क्या करते थे। ख़ास अल्फाज हैं हमारे मरकज़ी, झंझोड़ा, दिलचस्प, दालान, तारीखी। जैन चौथी जमात का तालिबे इल्म है और उसे पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक़ है। एक दिन जैन स्कूल की लाइब्रेरी से बहुत दिलचस्प किताब लेकर आया। उस किताब में लाहौर की तारीखी इमारतों के बारे में दिलचस्प मालूमात थी। जैन ने अपनी कमरे की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद जैन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके शाही किले के मुतालिक सोचने लगा। अभी जैन सोचों में गुम था कि उसे शोर की आवाज़ आई। जैन ने आंखें खोली तो एकदम चौंक गया क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं था। जैन ने सामने वाली दीवार की तरफ देखा जो खूबसूरत बारीक ईंटों की बनी हुई थी। जैन अभी यही सोच रहा था कि उसने ये ईंटें कहाँ देखी हैं कि उसे किताब में मौजूद शाही किले की तस्वीर याद आई। अचानक से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जैन ने घबरा कर इधर उधर देखा और एक बड़े गुलदान के पीछे छुप गया। कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ जिसने चोगा पहना हुआ था। जैन को उस शख्स का लिबास इतना अजीब लगा कि वो उसे देखने के लिए गुलदान के पीछे से बाहर निकल आया। उस शख्स ने जैन से पूछा, तुम कौन हो? सवाल कर रहा है तो देखें सवालिया निशान लगा हुआ है, सवालिया फिक्र है कि तुम कौन हो। जैन ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं जैन हूँ, मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरी आँख इस कमरे में खुली। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं बादशाह औरंगज़ेब का वज़ीर हूँ और तुम बादशाह सलामत के मेहमान हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महल की सैर कराता हूँ। वज़ीर जैन को लेकर एक बड़े दालान में पहुँचा जहाँ बहुत सारे सतून थे। जैन ने सतून गिने तो उनकी तादाद 40 थी। ये दालान संगमरमर से सजा हुआ था और यहाँ कुछ लोग मौजूद थे। वज़ीर ने जैन को बताया कि यह दालान दीवान आम कहलाता है और यहाँ बादशाह सलामत आवाम से मुलाकात करते हैं। फोर्थ क्लास ही हमने आज हाफ चैप्टर पढ़ा है आज, ठीक है? बाकी जो हाफ है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज करवा देती हूँ। जी देखिए, फोर्थ क्लास है इनका ख्वाब, मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं, मरकज़ी, झंझोड़ा, दिलचस्प, दालान, तारीखी, लाइब्रेरी, लाहौर, मालूमात, किले, मुतालिक, चौंक गया, बारीक ईंटों, तस्वीर, शाही कला, गुलदान, चोगा, अजीब, कांपते, वज़ीर, औरंगज़ेब, दालान, संगमरमर, दीवाने आम, बादशाह सलामत, आवाम, मुलाकात। फोर्थ क्लास ये जो मैंने आपको हाफ चैप्टर पढ़ाया ना, ये उसकी मुश्किल अल्फाज है, ठीक है? आपने घर में इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ में ग्रामर का काम देख लें। ग्रामर में आज मैंने आपको करवाने हैं मुजक्कर मोनस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दरख्वास्त करवाई थी, आज मैं आपको करवा रही हूँ मुजक्कर मोनस। मुजक्कर मोनस में देखें, पहला लफ्ज़ है हमारे पास पंजाबी। पंजाबी का मोनस क्या होगा? पंजाबन, हाजी, हाजन, भंगी, भंगन, तेली, तेलन, माली, मालन, पड़ोसी, पड़ोसन, धोबी, धोबन, यहूदी, यहूदन, खादिम, खादमा, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है? फोर्थ क्लास ये आपके मुज़क्कर मोनस से, और मैंने आपको मुश्किल अल्फाज भी करवा दिए, जहन का ख्वाब हाफ चैप्टर जो था। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क में आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज, फोर्थ क्लास देखिए, आपने होमवर्क में मुश्किल अल्फाज जो मैंने अभी आपको जहन का ख्वाब के पढ़ाए ना,
वो और साथ में आपने करने हैं मुजक्कर मोनस, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और ये जो मुश्किल अल्फाज फोर्थ क्लास दिए हुए हैं ना, जैसे मरकजी है तो आपने एक एक लफ्ज़ को तीन तीन दफ़ा लिखना है, अपनी वर्कशीट पे साफ सुथरा काम करना है, और आपने ये होमवर्क जो है अपना फ्राइडे को स्कूल में सबमिट करवाना है 8:30 से 12 बजे तक। अल्लाह हाफिज़।